पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय। पूर्णिया सीट से लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव। राजनीतिक दलों के मुक्त उपहार के वादे पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार शीर्ष अदालत। बदायूं में दोहरे हत्याकांड में पुलिस की कार्रवाई तेज, आरोपी के पिता और चाचा को किया गिरफ्तार। बदायूं हत्याकांड की पूरी कहानी लोगों के सामने आई, विनोद के पूरे परिवार को मिटाने आया था साजिद। पड़ोसी नहीं खींचते तो मारे जाते संगीता और पीयूष, कातिल ने पत्नी की बीमारी के लिए मांगे 5,000 रुपए। तमिल ईसाई सुंदरराजन ने फिर थामा भाजपा का दामन, दो दिन पहले राज्यपाल पद से दिया था इस्तीफा। भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, का स्टार्टअप क्रांति का नेतृत्व कर रहे छोटे शहरों के युवा। पीएम मोदी बोले भारत ने सही समय पर लिए सही फैसले, पिछले दशक में आईटी सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में की तरक्की। कटमनी के लिए चुनावी बांड का विरोध कर रहा था विपक्ष, शाह बोले जानकारी सामने आने पर नहीं दिखा पाएंगे मुंह। गृहमंत्री शाह ने देश के मुसलमानों को किया आश्वस्त, कहा डरने की जरूरत नहीं, सीएए से नहीं जाएगी नागरिकता। पशुपति पारस का इस्तीफा राष्ट्रपति मुर्मू ने किया मंजूर, अब किरेन रिजिजू संभालेंगे खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय। हाजीपुर सीट से एनडीए के उम्मीदवार होंगे चिराग पासवान, चाचा पशुपति पारस को वहीं से लड़ने की दी चुनौती। भावी के भाजपा में शामिल होने पर बोली हेमंत सोरेन की पत्नी, का किसी के सामने झुकना झारखंडी के डीएनए में नहीं। लोकसभा चुनाव के लिए डीएमके ने जारी की पहली लिस्ट, 21 उम्मीदवारों के नाम के साथ घोषणा पत्र का भी ऐलान। भाजपा और शिरोमणि अकाली दल के बीच गठबंधन संभव, पंजाब में 48 घंटे में सीट शेयरिंग का हो सकता ऐलान। हरियाणा में अहिरवाल का दिल जीतने वाला बनेगा किंग, भाजपा के बाद अब कांग्रेस को मजबूत नेता की तलाश। चमन के खिलाफ केजरीवाल की अर्जी पर हाईकोर्ट में सुनवाई, अदालत ने ईडी से मांगा जवाब, 22 अप्रैल दी अगली तारीख। होली पर भारतीय रेलवे चला रहा 200 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें, अपनों के साथ मना सकेंगे त्यौहार, मिलेगी कन्फर्म टिकट। संयुक्त राष्ट्र ने हैप्पीनेस इंडेक्स की ताजा रिपोर्ट की जारी, भारत की तुलना में पाकिस्तान ज्यादा खुशहाल देश। रिपोर्ट में फिनलैंड 7वीं बार सबसे खुशहाल देश बना, लिस्ट में पाक 108वें और 126वें पायदान पर भारत। अमेरिकी सिख नेता ने की जयशंकर राजनाथ सिंह की तारीफ, का भारत ने दुनिया में सिखों की सुरक्षा पर किया आश्वस्त। सीए इंटरमीडिएट और फाइनल की संशोधित तिथि का ऐलान, अब 20, 22, 24 और 26 जून को आयोजित की जाएगी परीक्षा। एयरमिस ने जमानत के लिए कोर्ट में उतारी वकीलों की फौज, भाजपा नेता और वकील गौरव भाटिया के साथ धक्का मुक्की। एलविस के दोस्त विनय और ईश्वर को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पूछताछ में अब कई बड़े लोगों के नाम आ सकते हैं सामने। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़, जवानों ने 2 नक्सलियों को किया ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। चीन में गिरते बर्थ रेट से अस्पतालों में बंद हो रहे प्रसूति विभाग, पॉलिसी मेकर्स को चिंता, कैसे पैदा की जाए बच्चों की ललक। प्रयागराज के मेजा थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाली घटना, भाभी से झगड़ा होने पर बुआ ने 2 भतीजों को मार डाला। जलवायु परिवर्तन पर नई रिपोर्ट में किया गया बड़ा दावा, गंगा ब्रह्मपुत्र जैसी प्रमुख नदियों पर पड़ेगा खतरनाक प्रभाव। काशी में रंग भरी एकादशी पर बारिश की पड़ी फुहारें, गरज और चमक के साथ झूमकर बरसे बदरा। उड़ीसा के 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, आईएमडी ने जारी की बिजली गिरने और तूफान की चेतावनी। आलोचना के बाद केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने वापस लिया बयान, बोली तमिलनाडु के बारे में नहीं थी टिप्पणी, लोगों से मांगता हूं माफी। फेफड़ों का कैंसर रोकने के लिए नया प्लान तैयार, वैज्ञानिक और डॉक्टरों को सरकार देगी प्रशिक्षण। सिद्धू मूसेवाला के परिजनों को पंजाब सरकार का लीगल नोटिस, आईवीएफ तकनीक से बच्चे के पैदा होने पर रिपोर्ट तलब। अयोध्या पहुंची बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा, बेटी मालती और पति निक के साथ किए रामलला के दर्शन। अमेरिका ने भी माना पाकिस्तान चुनाव में हुई धांधली, अमेरिकी राजनयिक बोले कुचला गया मानवाधिकार। मध्य प्रदेश में विवाहिता को भगा ले जाने की दी तालिबानी सजा, पेशाब पिलाई, जूतों की माला पहनाई और पेड़ से बांधकर पीटा। पड़ोसी के खुलेआम रोमांस से परेशान महिला ने की शिकायत, पुलिस से कहा बिगड़ रही आसपास के बच्चों की परवरिश। सीएए पर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया दावा, बोले मूल निवासियों पर नहीं होगा नागरिकता कानून का असर। दिनहाटा का दौरा करेंगे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बोस, कल हुई थी टीएमसी और भाजपा समर्थकों के बीच झड़प। केसी राव की बेटी कविता की याचिका पर 22 को सुनवाई, शराब घोटाले में बीआरएस नेता को ईडी ने किया गिरफ्तार। जल बोर्ड फंड जारी करने को लेकर दिल्ली सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट, एलजी पर लगाया 3,000 करोड़ रुपए रिलीज न करने का आरोप। तीसरे लोकतंत्र शिखर सम्मेलन में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, का पारदर्शिता और लोकतंत्र को पवित्र रखने में ईवीएम सहायक। पेपर लीक के बाद बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा विरुद्ध, बिहार लोक सेवा आयोग बाद में करेगा नई तारीखों का ऐलान। विदेशी जहाजों को बंदरगाहों पर रुकने की अनुमति देगा श्रीलंका, फैसले से यूटर्न के पीछे बताया जा रहा है चीन का दबाव।
संभल जिले में यूपी पुलिस ने पेश की ईमानदारी की मिसाल। थाना प्रभारी रेणु सिंह ने रास्ते में मिले पर्स को लौटाया वापस। इस बार भी होली पर 6 राज्यों में उड़ेगा संभल का गुलाल। राममय होली के लिए बनाए 16 तरह के गुलाल। 22 मार्च को देशभर के सिनेमाघर में प्रदर्शित होगी वाटे किस्मत। मध्य प्रदेश के सीहोर में हुई है फिल्म की शूटिंग। झारखंड में सीआरपीएफ के जवान ने खुद को मारी गोली। 2 साल पहले 190 बटालियन में शामिल हुए थे मनोज कुमार। लालू के करीबी आरजेडी विधायक की बड़ी परेशानी। शंभुनाथ यादव के 7 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। ओलंपिक 2026 की मेजबानी के लिए तैयार भारत। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया ऐलान। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रभात। नमस्कार।